नमस्कार, न्यूज एंड व्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारे। शुरुआत करते हैं न्यूज एंड व्यूज की, जहां कोरोना वायरस को लेकर दिए गए बयान के बाद विवादों में घिरे हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर भोपाल क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज कर दी है। तो वहीं नाथ ने कोरोना को एंटी वेरिएंट भी कहा था, जिसको लेकर बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने कमलनाथ के खिलाफ ज्ञापन भी सौंपा था। तो वहीं बीजेपी ने कमलनाथ के इस बयान को भारत की छवि बिगाड़ने के साथ ही देश विरोधी बताते हुए पुलिस में शिकायत भी की थी। वहीं कमलनाथ का कहना है कि वो डरने वाले नहीं हैं, अंतिम सांस तक जनता के लिए लड़ेंगे। और अब इसी के साथ कांग्रेस भी केस दर्ज करने की बात कहती हुई नजर आ रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। गीत जी, ये मामला तूल पकड़ चुका है, मध्य प्रदेश की राजनीति एक बार फिर चरम पर एक अलग मुद्दे के साथ है, इस पूरे मामले को किस तरह से आगे जाकर देखा जाए? देखिए ऋतु, सबसे बड़ी बात है कि पिछले एक हफ्ते से ये मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। जिस दिन कमलनाथ जी ने वेबिनार के माध्यम से ये अपना संवाद कहा था और उन्होंने मौतों के आंकड़ों पर जो सवाल उठाए थे, उसके बाद से लगातार चाहे भाजपा की बात कर ले चाहे कांग्रेस की बात कर ले, आरोप प्रत्यारोप के दौर की शुरुआत हुई थी। इसमें सबसे पहले बयान आया था गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का, उसके बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस यहां तक नहीं रुकी, उसने अपनी तरफ से बात लगातार कहते रहे। खासकर नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने उज्जैन दौरे के दौरान फिर इस बात को एक बार दोहराया और उन्होंने दो बातें लगातार अपने बयानों में कही। एक तो जहां कोरोना के दौरान हुई मौतों को लेकर और कोरोना वेरिएंट को लेकर, और दूसरी बड़ी बात कही उन्होंने हनी ट्रैप के मामले में। इसको लेकर लगातार कमलनाथ पर भाजपा हमलावर रही और तमाम नेताओं ने जो है लगातार हमले करने शुरू किए। उसके बाद जो है कल ये हुआ कि उन्होंने एएसपी को ज्ञापन दिया, एएसपी ने उसकी समीक्षा करने के बाद शाम को एफआईआर कर दी। एफआईआर करने के बाद कांग्रेस ने रुख अपना तेजी से बदला और अब वो तैयारी कर रही है भाजपा पर आक्रमण करने की। कांग्रेस यहाँ तैयारी करती हुई नजर आ रही है, चूंकि 12 बजे थाने भी जाएगी और वहां एफआईआर दर्ज करेगी। क्या कुछ मामला रहेगा कि वहां पर कांग्रेस इस तरह से अब अख्तियार रुख अपनाएगी? देखिए, उनके आवेदन का मसौदा तो नहीं पता, लेकिन ऋतु जिस तरह से उनके नेता के ऊपर एफआईआर हुई है तो कहीं ना कहीं वो ये देखेंगे कि इसका काउंटर केस कैसे हो सकता है। काउंटर केस करने की तैयारी में कांग्रेस ने क्या उस आवेदन में मसौदा बनवाया है, यह महत्वपूर्ण बात है। लेकिन कांग्रेस देर से आई है, लेकिन जो है अब सियासी घमासान मध्यप्रदेश में लगातार बढ़ता जाएगा और आज देखिएगा दिन भर आप लगातार इन दोनों राजनीतिक दलों का जो सियासी घमासान है वो देखने को मिलेगा। आज भाजपा ने तय किया है कि युवा मोर्चा जो है अपने अपने जिलों में जो है जहां कमलनाथ का पुतला दहन करेगा, वहीं भाजपा के तमाम कार्यकर्ता अपने अपने जिलों में जो है कमलनाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। भोपाल में दर्ज एफआईआर के बाद अब जिलों में एफआईआर, उसके बाद कांग्रेस का पलटवार। अब ये दिन भर की सुर्खियां रहेंगी, आखिर क्या राजनीतिक सियासी घमासान कहां जाकर थमेगा और कहां क्या इसके परिणाम आएंगे सामने, ये देखने को बात। बिल्कुल, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला जी भी जुड़ गए फोन लाइन पर। अशोक जी, आपका बहुत स्वागत है डीएनएन में। सर, पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि पूर्व सीएम कमलनाथ के बयान को लेकर जो राजनीति यहाँ चरम पर है और जिस तरह से एफआईआर का दौर यहाँ पर दोनों ही पार्टी से शुरू हो चुका है, ऐसे में कांग्रेस या फिर पूर्व सीएम कमलनाथ के लिए कितनी मुश्किलें बढ़ती हुई आप देखते हैं? रवि अवस्थी जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी, मैं आपने चूंकि शुक्ला जी का नाम लिया था इसलिए मैं शांत था। जी बिल्कुल ऋतु जी, दरअसल ये जो शुरुआत है इसकी वो कमलनाथ जी ने स्वयं की है और जो बयान उन्होंने हनी ट्रैप मामले को लेकर दिया था, निश्चित तौर पर उन्होंने अपना गोल में ही जो दागा है तो अपने पाले में ही गोल लगा। निश्चित तौर पर ये शुरुआत कमलनाथ जी की तरफ से थी और देखिए ऋतु जी, इसमें कल जो प्रकरण दर्ज हुआ है मुझे लगता है कि ये इसका कनेक्शन जो है रायपुर में जो प्रकरण दर्ज हुआ है संबित पात्रा के खिलाफ उससे जुड़ता है। तो कहीं ना कहीं जब संबित पात्रा के टूल किट मामले को लेकर अगर छत्तीसगढ़ की सरकार प्रकरण दर्ज कर सकती है तो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भी इस तरह की पहल हुई, क्योंकि इससे पहले के जो दो दिन आप देखेंगे कि केवल आरोप प्रत्यारोप का जुबानी जंग जारी रही, कोई इस तरह की मामला नहीं हुआ। लेकिन कल अचानक 3 बजे एमपी नगर के क्राइम ब्रांच थाने में जाके जिस तरह भाजपा का नेताओं ने एफआईआर करवाई है तो लगता है कि इसका कहीं ना कहीं, देखिए रायपुर में भी संबित पात्रा को नोटिस जारी हुआ है और उन्हें 24 आज जो है उन्हें कॉल किया गया है अपना पक्ष रखने के लिए, उनके बयान के दर्ज करने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये राजनीति जो है वो केवल मध्य प्रदेश से नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर से इसका कनेक्शन जुड़ रहा है, तो इसको उस तरीके से भी देखा जाना चाहिए। नहीं, लेकिन रवि जी, इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि कमलनाथ पर जब कल शाम को एफआईआर हो गई है, उसके बाद अगर क्या वो गिरफ्तारी देंगे कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा, कि कांग्रेस की अगली स्ट्रेटेजी क्या होगी? देखिए जी, दरअसल दोनों ही जो धाराएं लगाई गई है, एक तो धारा 188 लगाई गई है जो
प्रतिबंधात्मक धारा है और दूसरा एक इन्होंने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 54 लगाई है, उसमें भी कोई बड़ा सजा का प्रावधान नहीं, जमानती मामला है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई गम, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता जो आरोप लगा रहे थे, जैसे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि कमलनाथ जी का बयान राष्ट्रद्रोह जैसा है, उन्होंने ये नहीं कहा कि राष्ट्रद्रोह है। भाजपा के नेता जरूर खुलकर ये बात कहते रहे, लेकिन और आवेदन में भी उन्होंने अपनी ये बात कही है जो पुलिस को सौंपा है, लेकिन जब पुलिस ने इस मामले में प्रकरण दर्ज किया तो एक सामान्य धाराओं में प्रकरण दर्ज हुआ है। लेकिन रवि जी, इसमें सबसे बड़ी बात की कांग्रेस ने भी अब पलटवार की तैयारी करी है, वो एक आवेदन देकर जो है, लेकिन आवेदन का मसौदा नहीं बताने तैयार है कोई भी कांग्रेसी, आवेदन देकर वो जो है भाजपा के ऊपर आक्रमण करना चाहती है। लेकिन क्या ये आक्रमण का दौर ये जनता को भ्रमित करने वाला है या राजनीतिक सियासत को ऊंचाई देने वाला है? देखिए अगीत जी, अभी भी कांग्रेस में गुटबाजी साफ सामने आ रही है, इतने बड़े प्रकरण होने के बाद भी आप देखेंगे कि बाला बच्चन को छोड़ के और कोई भी बड़ा नेता अब तक इस मामले में सामने नहीं आया। बाला बच्चन जी के अपने राजनीतिक स्वार्थ हैं, उनकी नजर जो है नेता प्रतिपक्ष या प्रदेश अध्यक्ष के पद पर है, निश्चित तौर पर वो उस दिशा में सक्रिय है। और जहां तक आप देखेंगे कि दिग्विजय सिंह जो हर मामले में लगभग हस्तक्षेप करते रहे, वो इस मामले में पूरी तरीके से शांत है, चाहे वो उमंग सिंगार का मामला हो या कमलनाथ जी पे जो हमला हुआ है, राजनीतिक हमला हुआ है उसका मामला हो। तो अभी तक कोई बड़ा नेता बाला बच्चन को छोड़ के जो है अभी तक कमलनाथ जी के पक्ष में खड़ा नजर नहीं आ रहा। तो मुझे लगता है कि जो कमलनाथ जी जो आरोप लगाते रहे शिवराज सरकार पर कोरोना काल की दूसरी लहर में जो मौतें हुई है उसको लेकर उन्होंने जो दावे किए, मुझे लगता है कि शायद वो उनके जो शिकायती आवेदन होगा उसका मसौदा में भी यही प्रमुख बिंदु रहेगा। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा रवि जी, क्या कांग्रेस के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं? क्योंकि उमंग सिंगार के बाद कमलनाथ और अभी पता नहीं और कौन कौन टारगेट पे होंगे भाजपा के। नहीं, मैं कमलनाथ जी सुलझे हुए नेता, अनुभवी नेता है और शिवराज जी से उनकी दोस्ती रही है लंबे समय तक। और आप देखेंगे कि पिछले 1-1.5 साल में ऐसा कोई कांग्रेस ने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं करा है जो सत्ता पक्ष के लिए मुसीबत बने। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है तालमेल कायम है। और मैंने जो एक बिंदु आपको बताया कि इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं रायपुर से भी जुड़ रहा है। अभी जी सर, एक रिएक्शन और, जिस तरह से आपने कहा कि सिर्फ मध्य प्रदेश की ही राजनीति नहीं, अब राष्ट्रीय स्तर की राजनीति भी यहां पर शामिल हो चुकी है, तो ऐसे में क्या राष्ट्रीय स्तर संज्ञान लेगा? क्योंकि अगर पिछले मामलों की या मुद्दों की बात की जाए तो पिछली बार भी हमने देखा कि राष्ट्रीय स्तर से आलाकमान की तरफ से बहुत कुछ कह दिया जाता है, लेकिन सीएम कमलनाथ की तरफ से एक अलग ही यहाँ पर रुख निकलकर सामने आता है। देखिए रितु जी, आप देखेंगे पिछले 4-5 दिन के घटनाक्रमों में तो जिस तरह संबित पात्रा पर कांग्रेस ने हमला बोला है, उसके बाद कमलनाथ जी का जो बयान वेरिएंट को लेकर आया था, तो उस पर प्रकाश जावड़ेकर जी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मुद्दे को उछाला, उसके बाद मध्य प्रदेश भाजपा इस मामले में सक्रिय हुई है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है इसका डोर कहाँ पर है। कांग्रेस तो फिलहाल एफआईआर की अब यहां पर रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी एफआईआर के बाद किस तरह की रणनीति आप देखते हैं? भाजपा की तरफ से मुझे नहीं लगता कि अब चूंकि कांग्रेस एफआईआर कराने की तैयारी कर रही है, निश्चित तौर पर जो गीत जी ने बताया कि भारतीय जनता युवा मोर्चा ने तैयारी करी है कि पूरे प्रदेश में पुतला दहन किया जाए, तो भाजपा चुप नहीं रहेगी इस मामले में, क्योंकि भाजपा ऐसे मामलों में बहुत ज्यादा सशक्त है कांग्रेस की अपेक्षाकृत, और वो पूरा काउंटर करके रहेगी इस मामले में। क्योंकि देखिए अभी भी जब कमलनाथ जी ने जो 2-3 गंभीर आरोप लगाए उसके बाद भाजपा ने मुद्दे को बिल्कुल टर्न कर दिया, उन्होंने इसको वेरिएंट के नाम से ले जोड़ दिया है, कमलनाथ जी के आरोप से जोड़ दिया है। इसके अलावा उनका जो एक वीडियो वायरल हुआ आग लगाने वाला, निश्चित तौर पर उस वीडियो के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर ये सत्य है तो वाकई में दुर्भाग्यजनक है देश के लिए कि इस तरह के राजनेता जो है इस तरह के बयान देते हैं, ऐसी आपदा के अवसर में भी जो है देश में आग लगाने की अगर वो बात करते हैं तो इससे अधिक दुर्भाग्यजनक कोई और बात नहीं हो सकती। बिल्कुल सर, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। गीत जी, मैं आपके पास एक बार फिर से आऊंगी। जिस तरह से मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, बीजेपी कांग्रेस कोई भी यहाँ चुप नहीं बैठा, दोनों ही मोर्चा अब आमने सामने आ चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस यहाँ पर एफआईआर करने के लिए जा रही है, लेकिन सबूत सामने नहीं ला रही जिसके लगातार वो बखान करती हुई सामने आई है। देखिए जिस तरह से आरोप लगाए थे कि मौत के आंकड़ों को लेकर लगभग उनने जो है जिस तरह से लाखों की मौत का जिक्र किया है, लेकिन ऋतु वही बात है कि भाजपा लगातार उनसे सवाल पूछ रही है कि आपके पास अगर कोई आंकड़े हैं तो दीजिए, लेकिन कांग्रेस उसमें बैकफुट पे है।
और यही एक वो कारण है जहां भाजपा लगातार हमलावर होती चली गई। अब ये देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस का स्टैंड क्या होता है। भाजपा तो अपने स्टैंड पे आगे चल रही है क्योंकि भाजपा का आज जो प्रदेश भर में प्रदर्शन है वो अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन कांग्रेस की अगली स्ट्रेटजी क्या, उसके आवेदन को स्वीकार करके FIR की तैयारी हो जाएगी? ये एक दिन भर का एक तरह से मसौदा है कि क्या FIR हो सकती है, नहीं होती है, आवेदन को निरस्त कर दिया जाता है तो कांग्रेस एक बार फिर मुंह की खाएगी। लेकिन आज दिन भर की राजनीतिक सियासत में यह देखने को पड़ेगा कि भाजपा जहां एक घर आगे चल रही है तो कांग्रेस और कितना आगे बढ़ सकती है। लेकिन यहां पर देखा गया, अगर पिछले मामलों की बात की जाए कि अगर कोई भी बयानबाजी निकलकर कांग्रेस की तरफ से सामने आती है तो कांग्रेस पार्टी के ही लोग बोलते हुए नजर आते हैं, ये उनका निजी बयान था, क्या यहां भी कुछ इस तरह का देखने को मिल सकता है? देखिए, कांग्रेस वैसे ही जो है गुटी राजनीति के लिए जो चलती, जो बड़ी नामी ग्रामी पार्टी मानी जाती है, उसमें अंतर्कलह बहुत है। अंतर्कलह के चलते कई बार नेताओं में एकजुटता नहीं होती है। आप खुद ही देख लीजिए, रवि अवस्थी जी कह रहे थे, जो तमाम बड़े नेता हैं, चाहे मैं बात कर लूं दिग्विजय सिंह की, चाहे बात कर लूं कांतिलाल भूरिया की, चाहे बात कर लूं अरुण यादव की, चाहे बात कर लूं अजय सिंह की, एक भी बड़े नेता का नाम नहीं आया सामने और ना वो कुछ बोलने को तैयार हुए। कमलनाथ ने लगातार 4 से 5-6 दिनों में जो लगातार बयान दिए हैं, उसके बाद किसी भी बड़े नेता का उनके साथ सटके खड़ा होना या उनके लिए बयान देना नहीं दिखा। ये तात्पर्य है कि क्या एक अकेले इकलौते कमलनाथ ने तय कर रखा है इस बारे में, या कमलनाथ ही इस पूरी स्ट्रेटजी को तैयार कर रहे हैं, चाहे आज वो कांग्रेस की टीम जो जा रही है थाने में, वो कांग्रेस की टीम की तैयारी जो है वो कमलनाथ ने कराई है, या इस पर्दे के पीछे अंदर खाने में कौन है जिसका ब्रेन चल रहा है, ये सारी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन भाजपा इसको मुफीद मानते हुए, इनके गुटी संतुलन को असंतुलित देखते हुए भाजपा ने जो रणनीति बनाई है, अभी तो ऋतु वो सबसे ज्यादा भाजपा मजबूत दिख रही है और भाजपा रणनीति में आगे चल रही है। तो कोरोना वायरस को लेकर दिए गए बयान के बाद विवादों में घिरे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर अब भोपाल क्राइम ब्रांच ने भी FIR दर्ज कर दी है और कमलनाथ ने कोरोना को एंटी वेरिएंट कहा था, जिसको लेकर अब राजनीति चरम पर है और ऐसे में दोनों ही अपनी अपनी रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब रुख करते हैं अगली खबर।